उत्तर प्रदेश से बिहार तक कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने भारी आफत पैदा कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में समाई है और दोनों सूबों के कई शहरों में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बिहार में तो बाढ़ की मार से कई सड़कें देखते देखते बह गईं। उत्तर प्रदेश में नदियां लगातार उफन रही हैं। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर बगहा तक बाढ़ कहर बरपा रही है। बेगूसराय और मध्यपुरा में भी हालात खराब हैं। सबसे पहले आपको मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं। पूरा स्कूल पानी में डूब चुका है। बागमती नदी का उफान देखकर बकुची पुल बंद किया जा चुका है। पुल पर 4 फुट पानी बह रहा है। कई बाइक वाले बाढ़ के तेज बहाव में फंस गए हैं। स्कूल समेत सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। बच्चों को बमुश्किल स्कूल से निकाला गया। पुलिस को पहली बार कुछ इस तरह बाढ़ के पानी से गुजरकर मौके तक जाना पड़ा। बर्री और बसघट्टा पंचायतों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। बगहा में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी सड़क ही नदी में बह गई। पहले सड़क का एक टुकड़ा टूटा और फिर देखते देखते पूरी सड़क पानी में बह गई। ये हालत देखकर गांव वाले भी दहल गए। इसके बाद गांव टापू में तब्दील हो गई। कहीं 5 फीट तो कहीं 20 फीट तक सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बसौली मुख्य रोड भी टूट चुकी है। मध्यपुरा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। रुख करते हैं बेगूसराय का, जहां सड़कों पर तालाब है। आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। बिहार जैसा ही हाल यूपी का भी है। बलरामपुर और शाहजहांपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। बलरामपुर के इस स्कूल में पानी भर गया है। दूर तक खेतों में सिर्फ तालाब जैसा नजारा दिख रहा है। ऐसी ही हालत शाहजहांपुर में भी है। शाहजहांपुर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कॉलेज, होटल, थाने सब जलमग्न है। रोड पर 5 फुट तक पानी भरा है। घरों के अंदर पानी इस कदर पहुंच गया है कि लोगों ने अपना ठिकाना घर के ऊपर बना रखा है और खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी पूरे उफान पर चल रही है। शाहजहांपुर का एसएसए कॉलेज तालाब बन गया है। बरेली मोड़ की मेन रोड, रिहायशी इलाके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, अजीजगंज जैसे रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सिद्धार्थ नगर में भी नदियां उफन रही हैं। अफसर बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में भी नावें चल रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर पानी भरा है। बहरामपुर का इलाका जो नौसर चौराहे से सटा हुआ है, पूरा जलमग्न है। राप्ती नदी के खतरे के निशान से ऊपर आने के बाद गांव में पानी घुस चुका है। यूपी से बिहार तक बारिश में हालात विकट होते जा रहे हैं। तस्वीर इस बार भी बदली नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और वहीं बिहार के मधेपुरा में हालात ये है कि सैकड़ों गांव बाढ़ की वजह से टापू बन चुके हैं। आज तक संवाददाता को भी नाव पर बैठकर ही इन गांव तक जाना पड़ा, ताकि वहां का हाल आपको हम बता सके। बिहार के मधेपुरा जिले में बाढ़ से हालात कितने बुरे हो चुके हैं, उसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं मधेपुरा के चौसा ब्लॉक में। और चौसा ब्लॉक की आपको तस्वीरें हम पहले आपको दिखा देते हैं। चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से कोसी का पानी जो है आपको चारों तरफ जो है वो नज़र आ रहा होगा। और ये हालात जो है पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही बने हुए हैं, क्योंकि
नेपाल में हुई बारिश का पानी जब आ रहा है लगातार, कोसी बराज से भी जो है पानी जब छोड़ा गया है लगातार छोड़ा भी जा रहा है, तो उसकी वजह से कोसी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है तो कभी घट भी रहा है। लेकिन फिलहाल जो हमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जलस्तर लगातार अभी कुछ दिनों से बढ़ ही रहा है, और इसके वजह से आप देखें कैसा हालत है, कैसी हालत है ये चौसा ब्लॉक की, जहां आप चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी नज़र आएगा, और नीचे जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा फिसलन हो गई है कि चलना जो है वो बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे हमारे पैर जो है वो धंस गए हैं, और चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी ही नज़र आएगा। और ये हालात पिछले एक सप्ताह से बने हुए हैं, और मौसम भी आप देख सकते हैं, मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं, बारिश रह रहकर जो है वो मधेपुरा और जो कोसी बेल्ट में लगातार हो रही है, और इसके वजह से आने वाले दिनों में लोगों की समस्या कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है, और हर साल यही समस्या लोगों की जो है वो देखने को मिलती है। कोसी हर बार दर्जनों गांव को, और दर्जनों क्या कहें तो सैकड़ों गांव को जो है कोसी बेल्ट में वो जलमग्न कर देती है, लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो इस तरीके से ज़िंदगी जीना इन लोगों की नियति बन गई है, और हर साल इसी मुश्किल से वो दो चार होते रहते हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, चौसा ब्लॉक मधेपुरा आज तक। और वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं, कैसे पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में हमने आपको हालात दिखाए, लेकिन आज अब आपको दिखाते हैं शाहजहांपुर की हालात। जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, ऐसे में हालात अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि जो धारा है वो नदी की धारा से भी तेज यहाँ पर बहाव है, और ऐसे में कई ऐसे जो यहाँ के लोकल शॉपकीपर थे उनकी शॉप्स बहकर चली गई है, कई ऐसे लोग थे अब जो ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और ये बहाव ये नदी से जस्ट जुड़ा हुआ एरिया है, SR कॉलेज लगता है, और वहाँ पर ये स्थिति है कि यहाँ पर जो पानी है वो घुटनों तक आ जा चुका है, और लोगों की दुकानों में, घरों में, यहाँ तक जो कॉम्प्लेक्स हैं आधुनिक उनके अंदर पानी चला गया है। हालात ये हैं कि लोग अपना जनजीवन किसी तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अलग है, क्योंकि जो पानी आप देख रहे हैं ये मेन सड़क और मेन रोड का है, जहाँ पर आप दूर दूर तक अगर देखेंगे तो आपको समुन्द्र जैसा माहौल दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको जो बसें और कारें आपको दूर देखिए कि फंसी हुई नजर आएंगी, यानी कि ये साफ है कहीं ना कहीं इस बहाव की वजह से ये सारी चीजें रुक गई हैं, और यही वजह है कि अब लोगों का जनजीवन भी कहीं ना कहीं थम गया है। हमारे साथ ही मौजूद है, ये बताइए क्या नाम है आपका? राजपाल। राजपाल जी, यहाँ पर क्या लगाते हैं आप? फल का काम। फल का काम, तो ये कब से बंद किए बैठे हैं? ये परसों से। कैसे हालात है यहाँ? बहुत खराब है। बहुत खराब है। बहुत खराब है। तो आप कैसे फल बेचते? बेचते क्या, क्या करें, फंसे हुए। तो ऐसी सब ऊपर सामान रखा, सब रखा ऊपर। प्रशासन कुछ मदद कर रहा है? कुछ नहीं है? कुछ नहीं, चला गया सब, बहुत सा बह गया। कितना सामान बह गया? करीब 10 क्रेट केला था, आम था, करीब 15-20 पेटी, सब बह गया। नुकसान की भरपाई हुई कुछ? भरपाई कौन करेगा? देखिए, ये जो यहाँ शॉपकीपर हैं, फल की दुकान लगाते थे, इनके फल बह गए हैं, और ऐसे हालात में कहीं ना कहीं अब इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार मदद करे या तो प्रशासन मदद करे, लेकिन लोगों का सहारा इस तरीके की बड़ी बड़ी अब ट्रॉलियाँ हो गई हैं जिससे वो शहर के अंदर जा पा रहे हैं। हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, ये शाहजहांपुर की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे। ये बताइए क्या नाम है आपका? संजय। ये हालात कब से ऐसे हैं? परसों से। किस तरीके का जनजीवन चल रहा है? जीवन क्या, सब मकान सब डूब गए हैं, सब अजीजन पूरा डूब गया, अजीजन में मकान है बिल्कुल सब डूब गया, पानी इतना भरा हुआ है। फिर क्या कर रहे हैं आप लोग वहाँ, कैसे बच रहे हैं? रह रहे हैं तो उधर घर छोड़ के किराए पे जा रहे हैं, एक दूसरे रिश्तेदारी में रह रहे हैं इस टाइम। अब पानी घर में भरा हुआ है, खाली कपड़े लेके भागे, बर्तन तो सब ऐसे पड़े हुए हैं, सब पानी बह रहा, कोई सेवा नहीं, खाली क्या आ रहा है, कोई पानी बांट रहा, कोई बिस्किट बांट रहा, कोई सुविधा नहीं है, कोई बढ़िया शासन प्रशासन कुछ नहीं है। एरिया कौन सा लगता है? ये बरेली मोड़, हम लोग रहते हैं जीजगंज। देखिए, ये जो हालात आप देख रहे हैं तस्वीरों में,
अभी तक आपने पूर्वांचल के देखे, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ शाहजहांपुर का ये एरिया। और यहाँ के हालात ये हैं कि जो ई बस स्टॉप है, कभी यहाँ पर बसें रुका करती थी, लेकिन आज यहाँ पर पानी है और सिर्फ पानी है। जरूरत है यहाँ पर बोट चलाने की, यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपने तस्वीरों में देखा कि हालात ये है कि लोग अपने घर छोड़कर बाहर आकर खड़े हो गए हैं कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। शासन प्रशासन से मदद की गुहार है, लेकिन इनकी कहना है कि ना ही शासन और ना ही प्रशासन का कोई व्यक्ति इन तक पहुंच रहा है। ऐसे में मजबूर हैं इस पानी में खड़े होने पर। शाहजहांपुर से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। और वहीं देखिए, गुजरात के वलसाड और नवसारी में बाढ़ से हालात खराब हैं। वलसाड के शहरों से लेकर गांवों तक में हालात खराब हैं। वलसाड में घरों में 7 से 8 फीट तक पानी भर चुका है। लोगों के लिए घरों से निकलना तक मुश्किल है। बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई जिलों का हाल खराब कर दिया है। सबसे ज्यादा कहर बरपा है वलसाड और नौसारी पर। इन दोनों जगहों पर बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। वलसाड का हाल देखिए, यहां बाढ़ ने लोगों को परेशान कर दिया है। वलसाड में नदी नाले उफन रहे हैं। ये कार पारधी नदी के कौजवे के ऊपर फंस गई। ऐसा लगा कि कार तेज रफ्तार पानी में बह जाएगी। घंटों तक लोग कार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बाद में किसी तरह पानी का स्तर कम होने पर कार बाहर निकाली गई। लोगों के घरों में कई फुट तक पानी घुस गया है। रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। लोग कुछ इस तरह घरों से रसोई गैस के सिलेंडर निकाल रहे हैं। वलसाड के आसपास के बांधों की हालत देखिए, पानी उफन रहा है। वलसाड में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अब वलसाड के बाद नौसारी का हाल देखिए, सड़कों पर दरिया बह रहा है। रफ्तार इतनी कि जरा सी लापरवाही पर लोग बह जाएं। लोगों के घरों के आसपास कई फुट तक पानी जमा है। ये जो पानी आ रहा है, जो पांच छह गांव में से आ रहा है इधर, और आगे कुछ खाड़ी, कुछ काम जो है उसको जो साफ सफाई नहीं करे, इसके लिए सब पानी भर रहा है। 4-5 साल से हम लोग बोल रहे कि भाई ये पानी का कुछ निकल करने का, मामलतदार कलेक्टर को ये इसका रास्ता खोजना चाहिए कि भाई ये पानी इतना आ रहा है तो कहीं से पानी कहाँ जाएगा, उसकी सफाई होनी चाहिए गटर लाइन की, वो हुई नहीं अभी। उधर मुंबई में आफत की बारिश जारी है। मुंबई के अंधेरी सबवे में लगातार बारिश का पानी जा रहा है। सबवे को हाल के दिनों में कई बार बंद किया गया, एक बार फिर यहाँ ट्रैफिक बंद है। गुजरात से मुंबई तक अभी बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तब तक लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं राजस्थान में देखिए, राजस्थान में यूं तो बारिश कम होती है, लेकिन शेखावटी के इलाकों में इस बार जमकर बारिश हो रही। टोंक धौलपुर से चुरू तक बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर पूरी रफ्तार के साथ बहते पानी की ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक की है। 10 दिनों के भीतर लगातार दूसरी बार टोंक का ये हाल हो गया। सड़कों पर चलना तक मुश्किल है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों तक को बहा ले जाने पर आमादा है। टोंक के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। शहर में भी यही हाल है। सड़कें बरसाती नालों में तब्दील हो चुकी है। निचली बस्तियां भी जलमग्न हो चुकी हैं।
राजस्थान के धौलपुर में भी लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है। अब तक यहाँ 700 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पूरे सीजन की आधी बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। राजस्थान के ही चूरू का रुख करते हैं। पिछली बारिश का पानी निकला भी नहीं था कि दोबारा चूरू में जोरदार बारिश होने लगी। कई इलाकों में 2 से 3 फुट तक पानी भरा है। लोग अपने घरों से निकल तक नहीं पा रहे हैं। सुभाष चौक में तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों ने गंदे पानी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। देश के दूसरे राज्यों में भी बाढ़ से हालात विकट हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य लगातार कई दिनों से बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। ये असम के मोरी गांव की तस्वीरें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लगातार उफान पर है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोग लगातार बेघर हो रहे हैं। पूरे असम में बाढ़ की कहर की वजह से सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। बारिश का सीजन अभी आधा भी नहीं गुजरा है, लेकिन बाढ़ और जल भराव की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी निकासी का हमारे शहरों में कितना कमजोर इंतजाम है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।